अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टीथ। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को और जानदारों को, स्पेशली एनिमल्स को, टीथ की नेमत से नवाजा है, जिसकी मदद से हम अपनी ग़िज़ा को च्यू करते हैं, चबाते हैं, जिसे मैस्टिकेशन कहा जाता है, ताकि वो डाइजेशन में हेल्प कर सकें। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि दांत जो हैं, टीथ जो हैं, वो कितनी टाइप्स के होते हैं। तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करें तो पहले नंबर पर हैं इनसीजर्स। ये इंसानों में इनकी तादाद 8 होती है। केनाइंस, ये 4 होते हैं। प्री मोलर्स, ये 8 होते हैं। और मोलर्स, ये 12 होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके टीथ के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये आपके सामने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये एक दांत की डायग्राम है और जो टीथ है इसको बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा जो है वो है क्राउन, जो कि सबसे ऊपर होता है। उसके बाद इसकी नेक रीजन है और फिर उसका रूट वाला हिस्सा है, जो कि मसूड़ों के अंदर, हड्डी के अंदर जो है वो मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ऊपर वाले हिस्से की, जो कि क्राउन कहलाता है। क्राउन वो हिस्सा है दांत का जो हमें नज़र आता है और ये बाहर की तरफ हड्डी, जो जबड़े की हड्डी है, उसके बाहर की तरफ निकला होता है। इसके अंदर बुनियादी तौर पर 2-3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 है इनेमल। इनेमल जो है ये हमारे दांत की आउटर मोस्ट लेयर को कवर करके रखता है और ये एक हाइड्रोक्सी एपेटाइट मालिक्यूल का जो है ये बना होता है और इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट जो मिनरल है वो पाया जाता है और शायद ये दुनिया, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है ये इनेमल है, जो हमारे दांतों के ऊपर लगा होता है और ये दांत के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करता है। इनेमल के नीचे अगर हम देखें तो एक और लेयर है जो कि प्रोटीन के, कोलेजन फाइबर की बनी हुई है, जिसको डेंटिन कहते हैं। ये एक मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट भी हैं ज़्यादातर, और इनऑर्गेनिक साल्ट के अलावा ऑर्गेनिक साल्ट हैं। इसके अलावा कोलेजन प्रोटीन के फाइबर भी मौजूद हैं जो इसकी, जो दांत की जो बॉडी है, जो कि उसको बनाते हैं। ये जो दांत है हमारे, ये उसके बाद इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिसे सीमेंटम कहते हैं। सीमेंटम जो है ये एक तरह का मटेरियल होता है बॉडी के अंदर, दांत के लेयर के साथ, जो दांतों को मसूड़ों के साथ, जो हमारे गम्स हैं उनके साथ अटैच करवाता है। तो जस्ट लाइक ए सीमेंट, जिस तरह एक सीमेंट जो है वो ईंटों को जोड़ने के लिए काम आता है, इसी तरीके से जो सीमेंटम है वो हमारे दांत को, हमारी जो हड्डी है, ये जो आपको बोन नज़र आ रही है ब्लैक कलर में, इसके अंदर फिक्स करके रखता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जिंजिवा है, ये मसूड़ों की लेयर है। यहाँ पर भी आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी रेड कलर में नज़र आ रहा है। ये हमारे मसूड़े हैं जिनके अंदर हमारा दांत जो है वो फिक्स होता है। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही है, ये जॉ बोन है। दांत के अंदर फिर एक और कैविटी होती है जिसे पुल्प कैविटी कहते हैं। ये जो पुल्प कैविटी है ये नीचे की तरफ जाती है और यहाँ पर इसकी एक ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए ब्लड वेसल और नर्व जो हैं वो दांत के अंदर जो हैं वो दाखिल होते हैं। इसके अलावा ये जॉ बोन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा रूट कैनाल, ये जो पुल्प कैविटी है इसके अंदर एक खला होता है, एक कैविटी होती है जिसे रूट कैनाल कहा जाता है, जिसके ज़रिए नर्व्स और ब्लड सप्लाई जो है वो दांत को मुहैया किया जाता है। इसके अलावा इसके आउटर साइड पे गम टिश्यू हैं और नीचे जो है ये ब्लड वेसल जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, जो कि दांतों को खून की सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से ये 3 हिस्से हो गए, ऊपर वाला हिस्सा क्राउन, दरमियान वाला हिस्सा नेक और सबसे नीचे वाला हिस्सा जो कि जबड़े के अंदर फिक्स होता है, इसे रूट कहते हैं। और ये हमने उसके मेन पार्ट जो है उनको डिस्कस कर लिया है। शेप के हवाले से हमारे दांत जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले इंसाइजर जो हैं ये चिजल शेप होते हैं और ये आमतौर पर काटने और बाइटिंग करने के लिए काम आते हैं। ये हमारे जो फेस है उसके आगे की तरफ जो हैं वो लगे होते हैं।
केनाइंस जो हैं ये नुकीले दांत होते हैं, ये चीरने फाड़ने के काम आते हैं गोश्त वगैरह को, और ये उन एनिमल्स में ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग होते हैं जो एनिमल गोश खोर होते हैं, जैसे चीता, शेर वगैरह, कुत्ते वगैरह। प्री मोलर जो हैं ये फ्लैट होते हैं, और मोलर जो हैं ये भी फ्लैट होते हैं, जिन्हें आमतौर पर दाढ़ें कहा जाता है। ये फ्लैटर टीथ जो हैं वो आमतौर पर हर्बीवोर्स में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्होंने गज़ा को पीसना होता है। हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स जो हैं, इनके अंदर दांतों का स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने डिफरेंट रखा हुआ है, ताकि वो अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो गज़ा को पीसने के लिए या काटने के लिए दांतों का इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ पर मैंने दांतों का जो स्ट्रक्चर है उसको, उसकी डायग्राम बनाई हुई है कि हमारे मुंह के अंदर जो हैं वो किस तरीके के दांत जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, हमारी बॉडी में दो तरह के जबड़े हैं। एक ऊपर वाला जबड़ा है जिसे हम मैगजिला कहते हैं, ये यहाँ पर जो आपको हड्डी नज़र आ रही है ये मैगजिला है। यहाँ पर भी आधे दांत लगे होते हैं जिन्हें मैगजिलरी टीथ कहा जाता है। ये जो ऊपर वाली आपको दांत नज़र आ रहे हैं ये मैगजिलरी टीथ हैं। इसी तरीके से एक नीचे वाला जबड़ा है जिसे हम मैंडिबल कहते हैं, और यहाँ पर जो दांत लगे होते हैं इन्हें मैंडिबलरी टीथ कहा जाता है। तो आधे दांत ऊपर वाले जबड़े के साथ लगे हुए हैं और आधे दांत जो हैं वो नीचे वाले जबड़े के साथ अटैच हैं। तो जो तरतीब ऊपर होगी वही तरतीब जो है वो हम नीचे रखेंगे। अगर आप ऊपर वाले दांतों को देखें तो इसमें सबसे ऊपर चार दांत आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये इंसिजर्स हैं। ये चार ऊपर होंगे, चार नीचे होंगे, यहाँ पर ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये आठ दांत हैं जो कि इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर यह बात याद रखिएगा, इंसान की बॉडी में दो तरह के टीथ होते हैं। एक मिल्क टीथ होते हैं जो कि बचपन में छोटी उम्र में होते हैं, 6-7 साल की उम्र के बाद वो गिर जाते हैं और उसकी जगह पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। इसलिए ह्यूमन जो हैं उन्हें हम कहते हैं डायफायोडोंट। डायफायोडोंट का मतलब है कि जिनके अंदर दो तरह के टीथ के सेट होते हैं उन्हें डायफायोडोंट कहा जाता है। उसके बाद अगर हम केनाइंस के अलावा बात करें तो केनाइंस की दोनों साइडों पर यहाँ पर और यहाँ पर रेड कलर के आपको दो दांत नज़र आ रहे हैं, ये नुकीले दांत हैं, इन्हें केनाइंस कहा जाता है। ये दो ऊपर होते हैं और दो नीचे होते हैं, तो इस तरीके से चार दांत जो हैं वो केनाइंस हो गए। केनाइंस के बाद फिर आगे दो इस तरफ और दो इस तरफ प्री मोलर्स हैं, ये छोटी दाढ़ें कहलाती हैं। चार ऊपर हैं, चार नीचे हैं, तो ये आठ दांत जो हैं ये प्री मोलर्स हो जाएंगे। उसके बाद फिर तीन इस तरफ और तीन इस तरफ, ये मोलर टीथ हैं जिन्हें आमतौर पर बड़ी दाढ़ें कहा जाता है, ये ज़्यादा फ्लैट होती हैं। और आखिरी दो दाढ़ें हैं, इन्हें विजडम टीथ भी कहा जाता है। कुछ लोगों में ये चारों की चारों विजडम टीथ ग्रो करती हैं और कुछ लोगों में ये ग्रो नहीं करती, या एक या दो या कम या ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं। एनी हो, तीन इधर छः मोलर्स हैं, छः ऊपर और छः नीचे, टोटल 12 मोलर जो हैं वो दांत जो हैं वो इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अपने जो दांतों का ऊपर वाला सेट है इसमें भी 16 दांत हैं, नीचे वाले सेट में भी 16 दांत हैं, इनके चार हिस्से कर लेते हैं। पहली लाइन जो है वो मैं दरमियान में लगाऊंगा, उसके बाद एक ये पहला रीजन बन जाएगा, ये दूसरा रीजन बन जाएगा, ये तीसरा रीजन और ये चौथा रीजन बन जाएगा। इन चारों रीजन के मुताबिक हम एक डेंटल फार्मूला जो है अरेंज करते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी एनिमल के दांतों की तादाद को शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने डेंटल फार्मूला जो है वो शो किया हुआ है। इसमें सबसे पहले मैंने ह्यूमन बेबी के टीथ जो कि डेसिजुअस होते हैं, जो कि गिर जाते हैं बचपन में, मिल्क टीथ होते हैं, उनका फार्मूला है। तो उस फार्मूले के मुताबिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रीजन नंबर वन में। रीजन नंबर वन में पहला टू जो है ये जाहिर कर रहा है कि ये दो इंसीजर हैं। तो बच्चे हुए दो इंसीजर होते हैं, उसके बाद वन के नाइन होगा, प्री मोलर नहीं होंगे, और जबकि दो मोलर होंगे। इसी तरीके से जो तरतीब ऊपर होगी वही तरतीब नीचे होगी। तो 2102 डिवाइडेड बाई 2102 एक डेंटल फार्मूला बन गया है। अगर आप इसके दांतों को टोटल तादाद मालूम करना चाहते हैं तो इसको 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 और 1 3 और 2 5, 5 ऊपर हैं, 5 नीचे हैं, 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है। तो इसका मतलब है छोटे बच्चों के दांत जो हैं, मिल्क टीथ जो हैं, वो तादाद में 20 होते हैं। अब इंसान के परमानेंट टीथ का फार्मूला हम मालूम करते हैं, तो उसमें देखें दो इंसीजर हैं, एक केनाइन है, दो प्री मोलर हैं और तीन मोलर्स हैं। अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो ये देखें दो इंसीजर हैं, एक केनाइन है, दो प्री मोलर हैं और तीन जो हैं ये क्या नाम है मोलर्स हैं। इसी तरीके से यही तरतीब नीचे तीसरे वाले खाने में होगी। तो इस तरह से हम लिखेंगे 2 1 2 3 2 1 2 3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 32 आता है।
तो इंसान में दांतों की टोटल तादाद जो है वो 32 होती है, तो 16 ऊपर हो जाएंगे 16 नीचे हो गए, उनको चार हिस्सों में आप डिवाइड करके उसका एक फार्मूला बना लें। अब अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने इंसान, क्योंकि एक ओमनीवोर है, इसको हर तरह के दांत दिए हुए हैं, इंसीजर भी दिए हुए हैं ताकि वो काट सके, इंसीजर के साथ केनाइंस भी दिए हुए हैं ताकि वो गोश्तखोर भी हो सके और गोश्त वगैरह काट सके, और मोलर्स और प्री मोलर्स भी दिए हुए हैं ताकि अगर वो सब्ज़ी खाना चाहता है, कुछ चीज़ चबाना चाहता है तो उसको अच्छे तरीके से चबा सके। अब हम कुछ हर्बीवोर्स का जिक्र करेंगे जिसमें काऊ और गोट आ जाती है। अगर आप उसमें देखें तो ऊपर वाले जबड़े के अंदर जो कि मैक्सिलरी टीथ है, ना वहाँ पर इंसीजर है ना ही वहाँ पे केनाइंस है, सिर्फ प्री मोलर्स और मोलर जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन नीचे वाले जबड़े में तीन इंसीजर मौजूद हैं, एक केनाइन मौजूद है और तीन तीन प्री मोलर्स और मोलर जो हैं वो मौजूद हैं, जिससे इस बात की अंदाज़ा होता है कि ये लोग जो हैं हर्बीवोर हैं और ये घास को चरने के लिए अल्लाह ताला ने उनको ये दांत दिए हुए हैं, और ज़्यादातर उनको मोलर्स और प्री मोलर्स दिए हुए हैं जो कि फ्लैट और बड़े दांत होते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से चारे को चबा सकें और पीस सकें। इसी तरीके से हम कुछ एक एनिमल का बात करेंगे जो कि कॉर्निवोर है, ये डॉग है। अगर हम डॉग की बात करें तो इसमें देखें जो केनाइंस हैं और इंसीजर हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, तीन केनाइंस हैं, इंसीजर हैं, एक केनाइन है, चार प्री मोलर हैं और मोलर्स की तादाद कम कर दी गई है। इसी तरीके से तीन जो हैं वो इंसीजर हैं, नीचे वाले जबड़े में एक केनाइन है, चार जो हैं वो प्री मोलर हैं और तीन जो हैं वो मोलर हैं, इनकी जो रेशियो है वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। इसी तरीके से रैबिट जो है ये भी हर्बीवोर है, इसका जो डेंटल फार्मूला है वो 212033 अपर जा में और नीचे वाले जा में 1023 जो है वो फार्मूला इस्तेमाल होता है। अगर हम एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट में देखें तो सिर्फ एक दांत ऊपर है जो कि उसका टस्क कहलाता है, ये इंसीजर है, नीचे है ही नहीं। इसी तरीके से केनाइंस भी नहीं है, जबकि प्री मोलर्स और मोलर जो हैं वो तीन तीन तादाद मौजूद है ऊपर और नीचे वाले जबड़े में। टोटल तादाद को मालूम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअल तादाद जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से ये टोटल हमारा जो है वो दांतों का फार्मूला बन जाता है। मुख्तलिफ जानदार जो हैं उनके मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं, हर्बीवोर अलग तरह के दांत रखते हैं, कार्निवोर अलग तरह के दांत रखते हैं, इसी तरीके से ओमनीवोर जो हैं उनके दांत जो हैं वो दोनों के दरमियान होते हैं। बहुत बड़ी नेमत है जिसके ज़रिए हम ग़िज़ा को पीसते हैं, काटते हैं, चबाते हैं। किस दिन फिर इसके ऊपर दोबारा लेक्चर करेंगे और इसकी कुछ डिजीज़ वगैरह का जिक्र करेंगे। तो आज हमने बेसिक इसका स्ट्रक्चर देखा है, डेंटल फार्मूले को और उसकी टाइप्स को जो है वो डिस्कस किया है। आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगले लेक्चर में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।